जम्मू के गंग्याल थाना अंतर्गत एक मामला जो है वो दर्ज हुआ, जिसमें मैं आपको बता दूं कि एक शख्स ने अपनी पड़ोसी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया, और दुष्कर्म करने के बाद अगर मैं आपको बताऊं तो पीड़िता जो है वो इस समय 4 महीने की गर्भवती है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं ये जम्मू के गंग्याल का मामला है। यहाँ पर एक शख्स ने पड़ोस में रहने वाली अपनी एक नाबालिग लड़की के साथ जो है वो दुष्कर्म किया, और उसके बाद वो पीड़िता जो है वो 4 महीने की जो है वो गर्भवती हो गई। खबर मैं आपको बता दूं कि यहां तक कि पीड़िता 4 महीने की गर्भवती भी है, और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। शिकायत के अनुसार बिहार के जयप्रकाश, मैं आपको शख्स का नाम बता रहा हूँ, ये बिहार के जयप्रकाश ने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग को बहला फुसला कर जो है उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म अब यकीनन है नाबालिग लड़की है, उसको इतनी नॉलेज भी नहीं होगी, उसने उसको बहलाया फुसलाया और उसके बाद उसका जो है वो दुष्कर्म किया, और यहाँ तक कि पीड़िता को डरा धमका कर कई महीनों तक जबरन जो है वो संबंध बनाता रहा, उसे डराता रहा कि मैं सबको बता दूंगा या फिर कोई और वजह बताई होगी, जिससे वो पीड़िता जो है वो डरती रही, और उसके बाद उसके साथ वो लगातार कई महीने जो है वो जबरन जो है वो संबंध बनाता रहा। और मंगलवार की बात है कि पीड़िता को पेट में दर्द होने पर जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि वह 4 माह से गर्भवती है। अब कैसे पता चलता, अब पीड़िता को जब पेट दर्द शुरू हुआ तो परिवार वालों ने यकीनन है कि डॉक्टर के पास लेकर जाना था, और जब डॉक्टर के पास लेकर गए और जब देखा कि लड़की जो है 4 महीने की प्रेग्नेंट है, जाने की गर्भवती है, परिवार के लोगों ने उससे पूछताछ की तो जानकारी मिली कि आरोपी ने दुष्कर्म किया था। वह डर से बता नहीं पा रही थी, डरी हुई थी, सहमी हुई थी। परिवार ने गंग्याल पुलिस थाने में जानकारी दी, इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही पीड़िता को मेडिकल करवाने के लिए जो है भेज दिया, और उसके बाद उसका मेडिकल करवाया गया। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं ये शख्स जो है ये बिहार का रहने वाला है, जय प्रकाश इसका नाम है, और अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ संबंध बनाता है, 4 महीने तक उसे डराता फुसलाता रहता, उसके बाद उसे संबंध बनाता रहता, दुष्कर्म करता, और पीड़िता जो है वो 4 महीने की गर्भवती हो जाती है। परिवार को पता चलता है, डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, उसके बाद वो बच्ची जो है वो 4 महीने की गर्भवती निकलती है। अब यहां पर बात निकलकर सामने ये आ रही है कि अगर मामला दर्ज हो चुका है, इस जयप्रकाश के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, और अगर ये आरोपी पाया जाता है सही में दुष्कर्म इसने ही किया है, अभी FIR लगी है, मामला है जो वो पुलिस इसके ऊपर जांच करेगी, और अगर जांच में आरोपी पाया जाता है तो मैं तो कहता हूं उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि कभी कोई इस तरह की घटना हमारे शहर में ना हो, और इसके ऊपर जो है सख्त से सख्त भी जो है सजा भी मिलनी चाहिए। और लगातार मांग भी करते रहते हैं, जब कई बार नाबालिगों के साथ इस समय दुष्कर्म का मामला सामने आता है तो परिवार वाले एक ही बात कहते हैं कि इसे फांसी की सजा होनी चाहिए, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से कहते हैं कि अगर ये आरोपी है जयप्रकाश तो इसके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसे जो है सलाखों के पीछे रखना चाहिए, ताकि इस तरह की शर्मसार घटनाएं जो है हमारे शहर में देखने को ना आए। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई अपडेट के लिए, नमस्कार।